खबर रीवा जिले से, जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने वाले एक वकील साहब भी धोखाधड़ी के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। दरअसल मामला रीवा जिले के न्यायालय में पकड़ में आया है। यहां अमित कुमार पांडे पिता अरुण कुमार पांडे निवासी भरोही थाना रायपुर करसुलियान के खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के बाद दोषी पाए गए अमित कुमार पांडे खिलाफ 419-420 की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। दरअसल सगरा थाना क्षेत्र के निवासी प्रज्वल पांडे के मित्र के साथ उक्त अधिवक्ता ने पैसे लेकर केस लड़ने की बात कही। जब प्रज्वल पांडे ने उनके मित्र ने बताया कि उनका अधिवक्ता अमित कुमार पांडे निवासी भलोही थाना रायपुर करसुलियान मुकदमा लड़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि यह तो वकालत ही नहीं किया तो कैसे केस लड़ रहा है। आरोपी के द्वारा जो सनद लगाकर वकालत की जा रही थी उसकी जाँच की गई और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अधिवक्ता परिषद के साथ साथ अपर कलेक्टर के यहाँ से दस्तावेज निकाले गए, तो जानकारी हुई कि जो सनद लगाकर अमित कुमार पांडे वकालत कर रहा था वह मंदसौर के रहने वाले अधिवक्ता का है। खुलासा होने के बाद प्रज्वल पांडे की शिकायत पर अमित कुमार पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बताया जाता है कि आरोपी कहीं दूर दराज से LLB कर रहा है और थर्ड ईयर का छात्र है जो जिला न्यायालय में 2021 से वकालत कर रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे शंका है कि जब खुद अपने दस्तावेज फर्जी बनाकर वकालत कर रहा है उसके द्वारा पता नहीं किया जा सके कितने फर्जी दस्तावेज बनाकर निर्दोषियों को दोषी और दोषियों को मुक्त कराया होगा, जिसकी जांच की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता प्रांजल पांडे ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे को जानकारी दी कि आरोपी अमित कुमार पांडे किसी के घर हूबहू सिग्नेचर बनाने में माहिर है, कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सिग्नेचर भी बनाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता प्रज्वल पांडे को, जिसने जाली LLB करने वाले वकील के कारनामों का भंडाफोड़ किया है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल। हाँ बोलिए भैया। ये आपने शिकायत की है कि क्या कैसे मामला था और कैसे बिना ये डिग्री लिए वकालत कर रहे थे, पूरी कैसे जानकारी हुई और आपने कैसे शिकायत की, बताइए थोड़ा। जी इसमें क्या हुआ कि एक मेरा मित्र है और वो गया हुआ था कोर्ट अपने किसी काम से जी, तो ये उसको वहीं पे कोर्ट में मिला और किसी मतलब केस को लेके अपने को पैरवी करने के लिए बताने लगा कि मैं वकील हूँ जी, और उससे ये कुछ पैसा भी ठग लिया था। अच्छा। वो मेरे पास आया और मेरे को बताया ऐसी ऐसी बात है। हाँ। तो मैं जो है तो इसका मैं बोला कि भाई ये तो वकील नहीं है, क्या है कि इसमें मतलब जिसमें जिस केस में ये पैरवी कर रहा था जी। तमाम जाके ऑर्डर शीट में दस्तखत उस्तखत कर रहा था, तो वो मतलब केस चल रहा है, रजिस्टर्ड है एक केस अपने मतलब उसका जमीन का जी। हाँ तो इसका फिर पता लगाया गया, तो शिकायत उकायत किया हम लोगों ने, अध्यक्ष साहब है राजेंद्र पांडे जी, तो उनको बताया, उनको सूचित किया। हाँ। तो उन्होंने इसको बुलवाया और इसकी जानकारी मंगाई, बोली कि अपना लाइसेंस दिखाओ जी। तो ये लाइसेंस अपना ला के दिखाया और उसमें सनद नंबर 60-80-21 लिखा था, बोला कि ये अमित कुमार पांडे जाली दस्तावेज बनवा के। हाँ। सब उसमें नंबर लिखा था 60-80-21, तो जब उस नंबर को हम लोगों ने इंटरनेट में डाल के देखा तो वो नंबर लोकेन्द्र सिंह पनवार के नाम से आ रहा था, वो मंदसौर के निवासी हैं। अच्छा। तो यहाँ से हम लोगों को जानकारी हुई, फिर धीरे धीरे इसका मतलब पता चलने लगा और बहुत सारे वकील सब बताने लगे कि ये इस केस में कहाँ क्या कैसे, तो अपर कलेक्टर के हम लोग गए, नकल लगाए, वकालतनामा निकला उसका, वकालतनामा में वो बाकायदा दस्तखत किया है और अपना सनद नंबर सब लिखा है, यही 60-80-21, जो इसका सनद नंबर है ही नहीं, ये तो अभी पढ़ाई कर रहा है तीसरे सेमेस्टर, जिगना उगना से कहीं से दिया है पेपर। कुल मिलाकर LLB भी नहीं किया और गलत सनद लगाकर ये वकालत कर रहा था और बिल्कुल बिल्कुल कम से कम ये 1.5-2 साल से कोर्ट में इसी तरह कर रहा है, बकायदा एकदम खड़े होके तमाम जाके कोर्टों में उपस्थित होकर के अपना सिग्नेचर उग्नेचर करके, जबकि ऑर्डर शीट में आप सिग्नेचर बिना वकील हुए नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहीं और थाने में की है? शिकायत उसकी हर जगह हुई है, शिकायत उसकी स्टेट बार काउंसिलिंग में की गई है और अपने यहाँ राज्य अधिवक्ता परिषद में की गई है। क्या लगता है कि जहाँ से लोग न्यायालय में न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं वकील, वहाँ खुद एक वकील इस तरह से फर्जीवाड़ा करता है? फर्जी बिल्कुल, इसके खिलाफ जांच की जाए, इसके खिलाफ मतलब कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं इस तरह में तो देखिए न्याय की गुहार लगाने लोग कोर्ट ही जाते हैं, इस तरह बहरूपियाँ मिलेंगी कोर्ट में। ये तो लोग मतलब बड़े बड़े मामले देते रहेंगे और फीस लेके देते रहेंगे, लोगों को न्याय न मिल पाता रहेगा, हो सकता है इनके द्वारा पैरवी जिनकी की गई हो जेल गए हों जी। तो जी कुछ ऐसे भी आपने मांग की है क्या कि जिनकी ये पैरवी की है उन मामलों को भी देखा जाए?
अगर अपना फर्जी मार्कशीट बना सकते हैं तो हो सकता है कुछ आदेश या कुछ ऐसे दस्तावेज और बना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब है जब इस तरह नटवर लाल जैसे हरकत कर रहे हैं तो बताइए ये कुछ भी कर सकते हैं, दस्तावेज गायब करवा सकते हैं, जाली दस्तावेज बना सकते हैं, है ना। मतलब साइन करने में इतना एक्सपर्ट है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये एकाध मतलब वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी ये साइन कर दिया है। मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है इनका? ये भलुआ भलुई का निवासी है, अमित पांडे नाम है, अपने आप को एडवोकेट अमित पांडे बताता है। तो आपने सिविल लाइन थाने में शिकायत करा दी है? बिल्कुल बिल्कुल, शिकायत हो गई है सिविल लाइन थाना में और जो जांच अधिकारी हैं इसकी जांच कर रहे हैं और आगे चल के मुकदमा भी इसमें कायम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक भैया, धन्यवाद। सुना आपने किस तरह से दूसरों को न्याय दिलाने के लिए खुद फर्जी सनद लगाकर वकालत शुरू कर दी और बिना LLB किए ही वकालत के पैसे पर उतरा और जिला न्यायालय रीवा में वकालत शुरू कर दी और अब सलाखों के पीछे पहुंचने का नंबर आ गया। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विराट 24 न्यूज की आप दर्शकों से अपील है कि अपने आसपास घूम रहे विभिन्न बहुरूपियों से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें विराट 24 न्यूज के साथ।